हाँ जी, कैसे हो सारे? उम्मीद है कि आप सभी खुश और फिट होंगे। तो यार, मैं हूँ अजय तनवर। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ऐसा ब्लॉग। जो भी मेरे ब्लॉग्स होंगे या मेरी वीडियोस होंगी, वो सब सारी जिम से रिलेटेड होंगी, लाइफस्टाइल से रिलेटेड होंगी, फिटनेस से रिलेटेड होंगी और सबसे मेन क्रिकेट से रिलेटेड होंगी। तो आज का जो ब्लॉग्स है ना, वो मेरी जिम से रिलेटेड है। मतलब कि मैं आपको अपनी जिम में ले जाऊंगा। तो चलिए चलते हैं जिम। तो गाइस, मैं जिम के लिए निकल चुका हूँ। जिम मेरे घर से बस 2-3 मिनट के दूरी पर ही है, तो आप सभी से वहीं मिलता हूँ। मैं जिम में आ चुका हूँ, तो पहले मैं आपको जिम दिखा देता हूँ। देखो गाइस, पूरी जिम अभी तक खाली है, कोई आया नहीं है अभी तक। तो पहले मैं जल्दी से जिम की सारी लाइट्स ऑफ। करते हैं फिर स्टार्ट अपना चेस्ट वर्कआउट। हमने कर लिया है, तो अब पहली एक्सरसाइज करने वाले हैं, ब्रेंच प्रेस। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है चेस्ट की, ब्रेंच प्रेस। तो पहले 10 की प्लेट लगाएंगे, फिर 20, 30 के बाद फिर लास्ट 40 तक वेट ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो मेरी टर्न है 10 प्लेट का वेट उठाना मुझे। तो ये पहला सेट हमारा चेस्ट में। इस पहले सेट के हमें 15 रैप लेने हैं। ये फर्स्ट सेट है हमारा चेस्ट का, तो चलिए लेते हैं। इस मेरा सेट हो चुका है, अभी हरीश अपना सेट कर रहा है। ये अभी कम ही वेट उठाता है। मैंने अपने 15 रैप पूरे कर लिए हैं 10 के वेट से। अब दूसरा सेट जो होगा वो 20 प्लेट के साथ होगा मेरा, उसके 12 रैप निकालने हैं मुझे। तो चलिए करते हैं वो भी। भाई सब थोड़ा हैवी होने वाला है, अब 80 का वेट लगने वाला है। उसके पिछली बार मैंने 6 रैप निकाले थे, तो इस बार देखते हैं कितने रैप निकलते हैं। कोशिश तो 8 रैपों की रहेगी, पिछली बार 6 रैप निकाले थे। तो गाइस, 30 प्लेटों से 8 रैप लग चुके हैं। मतलब कि इससे ये तो पता चलता है कि प्रोग्रेस हो रही है। अगली बार जब भी मारेंगे तो 10 तक कोशिश करेंगे। और थोड़ी देर पहले अभी कोई भी नहीं था, तो काफ़ी बच्चे आ चुके हैं। तो यार अब 90 का वेट लग चुका है, तो ये थोड़ा हैवी है, तो देखना होगा इससे कितने रैप निकलते हैं मेरे से। ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम ही निकले। आप 3 ही रैप निकले मेरे से इससे, आगे और थोड़ा मेहनत करेंगे। तो गाइस, अगली जो एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइन डंबल प्रेस है। उसका जो वेट बिल्डिंग है, 30 से 3 ही सेट लेंगे हम उसके, 20, 25 और 30। तो चलिए लेते हैं। चलिए लेते हैं।
सेट तो हो गया 25 से, अगला जो होने वाला वो थोड़ा हैवी होने वाला है, वो 30 केजी से है, पता नहीं है उसमें कितने रैप लगेंगे, तो देखते हैं जितने भी लगते हैं 30 केजी के डंबल से। तो गाइस 30 के डंबल से 2-3 रैप भी निकले हैं। तो गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्लोज डंबल पुशअप से, चलो उसे लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी केबल क्रॉस ओवर है, तो चलिए लेते हैं उसे। तो गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बटरफ्लाई है, और सभी लोग लेते हैं। तो गाइस सारी एक्सरसाइज हो चुकी है चेस्ट की, तो अब देखते हैं कि कितनी पंपिंग आई है बॉडी में। पांच एक्सरसाइज की हमने आज, सारी एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी। तो गाइस हम जिम से तो आ गए हैं, सारी एक्सरसाइज भी हो गई आज चेस्ट की, पंपिंग भी दिखा दी कितनी पंपिंग आई है। अभी कुछ खास हुआ नहीं है शरीर में, थोड़ी और मेहनत करेंगे। अब फाइनली है कि पता नहीं ये ब्लॉग कैसा बनेगा, बाद में काफ़ी बच्चे आ गए थे, म्यूजिक ऑन हो गया था जिम में, तो शायद मुझे पता भी नहीं मेरी आवाज़ क्लियर होगी या नहीं होगी ब्लॉग में, पता नहीं यार कैसा होगा ये ब्लॉग। जो भी होगा यार सपोर्ट करना, अपना प्यार देना, मैं और इम्प्रूव करूँगा अपने आप को। कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा ये व्लॉग, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाना यार। तो गाइस ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं यार, थैंक यू गाइस।